नमस्ते पीपल, दिस तात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो गोवा का है जो कि मैंने 10 से 12 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। इस बार मैं गया स्पेसिफिकली साउथ गोवा में। अब यहाँ पे जो मेरा ट्रिप का मकसद था वो व्लॉगिंग करना नहीं था, उसके बावजूद मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग की, तो वीडियो एकदम डिटेल में नहीं होगा। इन वीडियोज़ में दोस्तों खाली मैंने लेजर ट्रिप किए, यानी कि गया हूँ, मस्ती की है, वापस आ गया हूँ, कोई एडवेंचर एक्टिविटी नहीं की है। अगर आपको डिटेल में नॉर्थ गोवा का वीडियो देखना है जो कि मैं लास्ट ईयर गया था, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। ये थोड़ा वीडियोस एकदम रॉ है, एकदम से चालू हो जाते हैं, एकदम से बंद हो जाते हैं, फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताना। गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे। कल मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, उसके बाद से रात को खाने के लिए गए थे हम लोग। रात में इतना कुछ रिकॉर्ड करने के लिए होता नहीं है। अभी बज रहे हैं 12। ये हमने होटल बुक किया हुआ, एक्चुअली दिस इज शैक और हर्ट यू कैन से, इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। और नाउ अभी 12 बज रहे हैं, सुबह से हमने कुछ भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट किया आज, चिल कर रहे हैं बैठे बैठे। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू पालोलीम, देखते हैं बीचेस, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और क्या क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक्चुअली मुझे भी एक्जैक्टली नहीं पता है, तो आई एम जस्ट गोना रिकॉर्ड इट एंड शो इट टू यू गाइस। एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो था नवंबर, अभी है मार्च और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। तो जब इस टाइम पे 12 बजे के बाद बाहर निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि क्यों बाहर निकल के अपने आप पे ऐसा जुल्म कर रहे हैं, घर में बैठो चिल करो। बट नहीं यार, गोवा आए हैं घूमने के लिए, तो घूमने के लिए जाएंगे। दिस इज़ द व्यू। वी आर पैलोलियम बीच आफ्टर 6 किलोमीटर्स। आ गए हैं यहाँ पे अभी हम लोग। अब एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं कि कायाकिंग के लिए जाना है कि नहीं जाना। कायाकिंग के लिए 350 रुपीज़ है, तो ये कायक बोट राइड के दो लोग जा सकते हैं। खुद ही चलाना पड़ता है, खुद ही राइड करना पड़ता है, तैरना नहीं आता है, तो कोई इशू नहीं है, ऐसा ही लोग बोल रहे हैं। तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ कैसा क्या है। उससे पहले एक्चुअली थोड़ा सा घूम के आते हैं बीच में, क्योंकि बीच बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये वाला। आपको आके बीच से अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, कल अगोंदा बीच था, आज पैलोलियम बीच है, सो मच बेटर, सो मच बिग, सो मच क्लीन, बहुत कम लोग भी होते हैं यहाँ पे, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो रॉक तक जाने का प्लान करते हैं, रॉक चल के आते हैं वहाँ पे, कितना कैसा है, लेट्स गो। एकदम बीच के एंड पे आए हम लोग, थोड़ी सी स्विमिंग की बीच पे, कोई भी नहीं है,
एंड दिस बीच इज सो बिग एंड राइट नाउ इज सो एम्प्टी कि सबको अपना अपना सिक्योरिटेड एरिया मिल गया. मतलब हमने यहाँ पे थोड़ी सी स्विमिंग की एंड देयर इज नो वन, एक्चुअली देयर इज नो वन. दैट दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. अभी जब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे तक, चाहते हैं खाते पीते हैं, देखते हैं आगे चलने का कि क्या क्या है. काइकिंग अभी तक हमने नहीं की है, शाम तक करेंगे बिकॉज इट्स टू हॉट. 2 बजे हैं अभी दोपहर के, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. बहुत ज़्यादा बात नहीं बोलते थे, चलो चलते हैं.